कितना साफ है आपका घर, बहुत साफ रखते हो। नहीं वो किचन थोड़ा हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं था ना आप लोग आएंगे बोल के, तो इसलिए ये सब ऐसे ही है, नहीं तो हम लोग गोबर माटी से पूरा पोछा मार देते हैं। नहीं बहुत साफ है, गंदा बिल्कुल नहीं, बहुत साफ है। ओ मतलब कढ़ाई उड़ाई रखते है ना नीचे काला हो जाता है, कुछ नहीं है। ये पूरा चूल्हे पे बन रहा है, है नहीं गैस नहीं, खत्म हो गई, खाली सिलेंडर पड़ा है, खाली सिलेंडर। आजकल खरीद नहीं सकते ना, महंगा नहीं, महंगा हो गया ना, महंगा हो गया ऐसा। हम लोग का सब फालतू आदमी ना पढ़ने में में, में। और बच्चे हैं? बच्चे दो टू हैं। कितनी उम्र है? एक तीन साल हो, तीन घर पे हाँ, तीन महीना हो है। मिल सकती हूँ? हाँ चलिए, इसको गल में आराम छोड़ सकते हैं ना इसे। मैम नमस्ते। नमस्ते, मेरा हस्बैंड है। अच्छा नमस्कार, ये मेरा बच्चा है, बड़ा बच्चा। मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी। नमस्ते। नमस्ते, कौन है सब लोग घर में? भगा दूं? नहीं। नाम क्या है आपका? अयान। अयान, अयान तोसा हो? अयान तोसा। चलो मुझे घर दिखाओ अपना। घर दिखाओ, घर दिखाओ, लिटरे रुपए दे। तीन महीने हुआ है। पिला रही हूँ। हाँ। इसको कितना पिलाया? इसको ये बहुत ज्यादा दिन पिया। कितना? चार साल। चार साल मैंने अपने को 14 महीने, बेटे को फिर बेटी ने तो छोड़ दिया है एक साल में, बस 10 महीने बाद फिर अपने आप छोड़ देती थी। छोटी बच्ची इतने दिनों से नहीं उठाई। मम्मा के पास आ गई, मम्मा के पास आ गई। बहुत प्यारी है, इतनी बिल्कुल रोती नहीं है। नहीं नहीं, शांत है एकदम। शाम को थोड़ा रात को सोती है। कितने घंटे? नहीं रात में डकार वकार मारते हैं ठीक से? दूध पीने के बाद डकार मारते हैं? टाइम लगाती है कि जल्दी हो जाता है? नहीं हो जाता है जल्दी, हो जाता है ऐसे ऐसे कि गोद पे बिठाना पड़ता है? नहीं एकदम ऐसे करके, ऐसे करके दूध पिलाने के बात ही कल आई थी। आपका दादी माँ को देख लीजिए, हम बहुत ही किताब हम बहुत जतन से रखा है पहले से, हम लोग का जो कांग्रेस में वोट दे रहा था अच्छा। दो दिन से तुम तो चाय नहीं पी सकती। नहीं जा मामा के पास है सिर्फ मेरे लिए बनाई है, आप नहीं लोगे? चलो 5000 थोड़ा सा अच्छा लगा। आप मुझे बताओ कि आप आपको सब मुश्किल होती है क्या? मुश्किल तीनों यही रहते हैं? जी जी जी, हम लोग में किसी का परमानेंटली जॉब नहीं है, सभी टेम्पररी करता है। मैं तो बाहर में दूसरा का गाड़ी चलाता हूँ और घर चलाता हूँ बस। और आपके भाई क्या करते हैं? भाई वो बगान में कुछ टेम्पररी परमानेंटली मिले। कितना मिलता है उनको? 1800 रुपये मिलता है। तो आपको सरकार से और नेताओं से क्या उम्मीद है? इसे तो बहुत दिन से जो कांग्रेस सरकार भी था अभी इसे तो कुछ मिला नहीं किसी के तरफ से। घर इस घर का हालत ऐसा हुआ है,
अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो लोग तो बोला है ऐसे इतना नहीं। अब हम लोग का बहुत खुशी हुआ है आपको देख के, आप जो चाय मजदूरों के लिए आया है, असम लोगों के लिए चाय मजदूरों के लिए आप अपने खुद सामने आया है, बहुत खुशी का बात है। लेकिन अगर आप किसी नेता से किसी पार्टी से कुछ मांग सकते अपने लिए, मतलब कि अपनी जीवन के लिए अपने लोगों के लिए, तो क्या बोलते? हम लोग तो अभी विश्वनाथ चंडी का जो अंजन बोरा है उसको नहीं, मतलब जैसे जब मैं अभी चाय के बगान में गई तो मजदूरी कह रहे थे कि वो सिर्फ 167 मिलती है। वो कह रहे थे कि अगर हमारी मजदूरी बढ़ जाए जी जी तो हमें बहुत सुविधा होगी। वो कह रहे थे कि उनके पास मतलब टॉयलेट भी नहीं है वहाँ और चिकित्सा के लिए भी कुछ नहीं है, तो आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है? जैसे आप कह रहे थे आपका सिलेंडर खाली पड़ा है, तो कैसी कैसी सुविधाएं आपके लिए अच्छी होती है? अगर वही बात, अभी गैस भराने के लिए तो हम लोग का इतना पैसा नहीं होता है, जो 800-900 रुपया लग जाता है भराने के लिए। तो अभी तो जितना सरकार तो कमती करने से हम लोग हर पब्लिक के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। महंगाई बहुत है और ये डीजल कोई भी चीज़ के अभी जो मार्केट में जाएगा तो हर ऐसा होता है, लेकिन हजरा तो नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही चल रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन कमाई बढ़ नहीं रही है। कमाई बढ़ रही है। बड़े होके क्या बनोगे? अयान बोरा पुलिस बनोगे? क्या करोगे पुलिस बन के? चोर पकड़ोगे? और हम लोग का मतलब सभी लोग टेम्पररी कंपनी की तरफ से भी कुछ नहीं है तो, और सरकार की तरफ से अभी तो कुछ नहीं मिला। बाबा अभी तो बूढ़ा भी हो गया, बाबा का बाबा लोग भी हम लोग लेकिन अभी तो हम लोग का जमीन भी नहीं है, 3 भाई है लेकिन यहाँ पे और दूसरों का माफी में नहीं रहे हैं, तो रहने के लिए जमीन तक नहीं है हम लोग का पास। जो भी मीडिया यहाँ पे आए हम लोग तो वही बोलेंगे, क्योंकि जो सुविधा नहीं कर रहा था हमको तो बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी हो, क्यों नहीं? क्योंकि देखो अब चुनाव आ रहा है तो आपको सबसे बड़ा अधिकार कौन सा मिला है? क्या कह रहे हो उसको? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा अधिकार तो आपका वोट ही है ना। अगर कोई आपके लिए काम नहीं करता तो उसको वोट मत दो, है ना? ये तो आपसे अच्छा तो कोई इसका अनुमान नहीं कर सकता। नहीं। मैं आऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी, कोई और आएगा कुछ बोलेगा, लेकिन आप में तो अपना विवेक है ना, आप अपनी परिस्थितियों को जानती हो, आप जानते हो कि ठीक है 5 साल हो गए महंगाई बढ़ गई, मुझे मतलब कमाई वहीं की वहीं है या कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे लिए किसी ने कुछ किया कि नहीं किया ये तो आप ही जानते हो, तो इसमें सबसे अच्छा अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं और निर्णय भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी निर्णय है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि अपने लिए अपने बच्चों के लिए, अपनी छोटी प्यारी सी बेटी है, आप चाहते हो कि इसका भविष्य बने, कि जो भी है ठीक है आप उम्मीद रखते हैं, हो सकता है कि कोई नेता आके कुछ अपनी भलाई से भी कह दे कि मैं इतना कर सकता हूँ, उसको कर ना पाए या उसका आधा ही करे, लेकिन आपको तो मतलब अपने बच्चों से भविष्य होना आपके भविष्य से होना चाहिए, तो आपको निर्णय लेना चाहिए इस भविष्य के को ध्यान में लेकर। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।